नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीरत कार स्कैनिंग में। दोस्तों, वैसे तो मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ अपना कि एक वीडियो रोज, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मसला नहीं है कि रोज़ एक वीडियो बने, कई बार तीन भी बन जाती हैं। आज मैंने तीन तीन वीडियो बना दी हैं और आज तीनों वीडियो बनाई हैं और तीनों अपलोड भी करूँगा चैनल पर और कर भी दी हैं। लगभग तीनों वीडियो अभी इस वीडियो कम्प्लीट होने के बाद मैं चैनल पर अपलोड करनी स्टार्ट करूँगा। तीसरा जो वीडियो अभी ये बन रहा है हमारा, तीसरा जो ये वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है गाड़ी है हुंडई की एसेंट 2011 मॉडल। मेरे बहुत चाबी वाले भाई जो हैं उन्होंने देखा होगा कि 308 फ्रिक्वेंसी का इसमें रिमोट आता है, 308 फ्रिक्वेंसी का रिमोट आता है। तो दोस्तों, ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें भी सेंट्रो की तरह ही प्रॉब्लम है। जैसे सेंट्रो में भी 433 और 315 दो टाइप की फ्रिक्वेंसी आती है ना, इसी तरीके से एसेंट में भी है, इसमें भी 308 की फ्रिक्वेंसी आती है और 433 की फ्रिक्वेंसी भी आती है। अभी जो हमारे पास गाड़ी आई हुई है, इसलिए हमारे पास गाड़ी वैसे मिलती नहीं है, इतनी जल्दी आती नहीं है ये, इसमें 433 फ्रिक्वेंसी का रिमोट है। और आपको उसके स्टिकर की भी फोटो दिखाऊंगा वीडियो में, जो मॉड्यूल के ऊपर लगा होता है, जिससे आप देख के ये पहचान जाएं कि इसमें 433 है या 308 है। 308 की जब कोई गाड़ी आएगी तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभी बनाई है मैंने 433 फ्रिक्वेंसी एसेंट गाड़ी जिसमें हैंगिंग रिमोट आता है। तो हम रिमोट जो जनरेट करने जा रहे हैं अपनी मशीन केडी से करने जा रहे हैं, केडी X2 से मशीन रिमोट जनरेट करेंगे। केबल हमने कनेक्ट कर ली है और सीधा सीधा दोस्तों दिखाना दर्शकों को ये चीज़, हमें जाना है रिमोट फंक्शन में, व्हीकल रिमोट में। ठीक है जी, हम जाएंगे हुंडई में, ये हुंडई में गए। हुंडई में जाने के बाद हमें स्क्रॉल कर लेना है, सबको तो पता ही है कि अगर हम एसेंट इंडिया में जाएंगे तो ये 308 फ्रिक्वेंसी वाला रिमोट हमारा ये आ गया, 308 फ्रिक्वेंसी वाला, ये जो यहाँ पे लिखा है 308। लेकिन यही नहीं आता दोस्तों, 433 भी आता है, और वो जनरेट कहाँ करना है आपने वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। हमें हुंडई में जाना है, हुंडई में गए, हमें ऊपर कर लेना है, इसको स्क्रॉल कर लेना है, काफ़ी नीचे जाके आएगा अपना रिमोट। सेंट्रो इंडिया आ गया, इसके बाद ही आएगा वो। बहुत सारे रिमोट हैं दोस्तों इसमें केडी में। हमें जाना है इसमें एलेंट्रा सेंटाफी स्प्रेटेड V1, इसमें हमने जाना है, हम इसमें जाएंगे और यहां से अपना रिमोट जनरेट कर लेंगे। ये हमने रिमोट जनरेट कर लिया है, ये हमारा लगा हुआ है, यहां पे जनरेटिंग हो रही है। और आपको एक और मजेदार चीज दिखाऊं दोस्तों, आपको एक फंक्शन और दिखाता हूँ इसका, केडी ऐप का। वो फंक्शन देखिए, ये है, जिस टाइम हम रिमोट जनरेट कर रहे हैं करते हैं ना, उस टाइम हम सिमुलेटर भी बना सकते हैं, यानी कि फॉर टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम अपने फोन को भी एक बार के लिए, वन टाइम सिर्फ, जैसे अभी दिखाऊंगा मैं बना के, वन टाइम रिमोट बन सकता है। इसको हमें सिमुलेटर बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को सिमुलेटर के नाम से जाना जाता है, जो OTP की तरह होता है, सिर्फ एक ही बार हम चला के चेक कर सकते हैं, मशीन को बैक कर देंगे तो वो डिसमिस हो जाएगा। ये हमने सिमुलेटर जनरेट कर रहे हैं अपनी फोन की स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं, अनलॉक, लॉक, पैनिक और ट्रंक, तीन। अब हम इसमें बैटरी लगा लेते हैं, ट्रांसमीटर हमने लगाया हुआ है, रिमोट में लाइट आ रही है। आइए जी, चलते हैं गाड़ी पे, गाड़ी सामने खड़ी है, गाड़ी में आप देख सकते हैं दोस्तों रिमोट वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कोई वर्किंग नहीं कर रहा है, सामने दिखाइए उधर से, कोई लॉक अनलॉक वर्क नहीं कर रहा है और ना ही इससे कर रहा है, फोन से भी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो वेल, आइए फ्रेंड, हम इसका जो यूनिट है ये वाला है, यहाँ पे लगा होता है ये इस तरीके से,
ये कवर खोल लेना है, यहाँ लगा होता है इस तरीके से, और इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर दिखाओ दर्शकों को, इस वाले स्टिकर के उसमें आपका 433 फ्रिक्वेंसी का रिमोट मैच होगा, ये ध्यान रखना। ये जो पार्ट नंबर लिखा है ना 15400-18200, इसमें आपका 433 फ्रिक्वेंसी का रिमोट मैच होगा, इस बात को नोट कर ले। और जो रिमोट मैचिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, यहाँ पर साइड में ये स्विच लगा होता है, कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल है, कोई इग्निशन ऑन नहीं करना है, कोई दरवाजे लॉक नहीं करने हैं, बिल्कुल आसान है। ये हमें बटन सेट की तरफ कर लेना है और ये रिमोट के दोनों बटन ऐसे प्रेस करके एक सेकंड के लिए सेंटर की तरह छोड़ देना है, अनलॉक का बटन दो तीन बार दबा देंगे। और ऐसे ही एक बार मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, जो मैंने बनाया था सिमुलेटर, ये मैंने दबा के रखे, छोड़े और अनलॉक दबाया दो बार, ये बैक क्यों आ गया हमारा, गलती से शायद बैक आ गया यहाँ पे, एक बार केडी लेके आना भाई, केडी एक बार केडी का डिवाइस लेके आइए, रहने तो जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो गया। ये सिमुलेटर होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये तो हम पहले आपको अपना ये रिमोट में चेक कराते हैं, ये हमारा मैच हो चुका है, इधर दिखाइए जी, ये लॉक, ये अनलॉक, लॉक अनलॉक, उधर दिखाओ, लॉक अनलॉक। अब एक तो साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी, इसमें रिमोट मैच करके दिखा दिया, गाड़ी पे फर्स्ट क्लास रिमोट वर्क कर रहा है, बटन ऑफ हो गया है, शायद दोबारा मेरे को मैच करना पड़ेगा, कुछ इश्यू हुआ है प्रोग्रामिंग में, दोबारा बटन हम सेट की तरफ करेंगे, दोनों बटन एक साथ प्रेस करके रखने हैं, अनलॉक दबाना है दो बार और फिर इसको सेट की तरफ कर देना है, ऑफ की तरफ कर देना है, हमारा परफेक्टली रिमोट मैच हो गया है। अभी प्रोग्रामिंग शायद मेरे हाथ से कुछ गलती हुई थी जो चलना बंद हो गया था, दोबारा मैंने मैच कर दिया। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है, और इस चीज़ को नोट रखना कि इसमें कौन सा रिमोट लगेगा। बहुत से भाई गाड़ी छोड़ देते हैं 308 वाली फ्रिक्वेंसी डाल के रिमोट मैच करने लग जाते हैं, होता ही नहीं, कहाँ से होएगा भाई जब इसमें 433 है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दिल से धन्यवाद है सभी भाइयों का, चाबी वाले भाइयों का जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। गाड़ी चेक कराता हूँ मैं, अनलॉक, हेलो, गाड़ी लॉक हो रही है, ये गाड़ी अनलॉक, अनलॉक हो रही है, तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।